हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। TRE 3 के अभ्यर्थी कल रात तक जान सकेंगे कोटिवार विषयवार रिक्तियां, यानी कि आज रात तक आप सभी की कोटिवार विषयवार यानी कि किस वर्ग में किस विषय में कितनी रिक्तियां हैं सामान्य प्रशासन विभाग से BPSC को भेज देगा, क्योंकि अभी BPSC को जो प्राप्त हुई हैं वो केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की रिक्तियां प्राप्त हुई हैं। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो प्राथमिक की हैं उनकी आज शाम तक आने की पूरी उम्मीद है, विषयवार और कोटिवार। और कल तक सभी रिक्तियां प्राप्त होते ही BPSC करेगा नोटिस के साथ रोस्टर जारी। सभी अभ्यर्थियों को रोस्टर की ही उम्मीद है, इसी भरोसे वो बैठे हुए हैं। उनके फॉर्म भी अभी पूरे नहीं भरे गए हैं क्योंकि वो इस रोस्टर के इंतज़ार में हैं, और फॉर्म भरने की भी तिथि बढ़ाई जा सकती है ऐसा सुनने में आ रहा है, क्योंकि जितनी उम्मीद थी उतने अभी फॉर्म सभी ने भरे नहीं हैं। रोस्टर में भी देरी की वजह से ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने अभी तक नहीं भरा है फॉर्म, और लेट फाइन के साथ भी फिलहाल 25 फरवरी तक फॉर्म भरने की तिथि है। तो 25 फरवरी तक तो आपका है ही, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 25 फरवरी के बाद भी TRE 3 के लिए फॉर्म को डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन एट प्रेजेंट 25 फरवरी है। और फॉर्म को कैसे भरना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें फॉर्म कैसे भरना है यही थंबनेल के साथ मैंने लगाया हुआ है। और TRE 3 को लेकर होनी है एक बैठक जिसका आयोग के सदस्य इम्तियाज़ अहमद करेंगे, उनकी अध्यक्षता इम्तियाज़ अहमद करेंगे। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट बैठक होने वाली है TRE 3 को लेकर, जिसमें आपकी विषयवार रिक्तियां और स्पेशली प्राइमरी की, क्योंकि उन दोनों वर्गों की तो जारी कर दी गई हैं, साथ में डेट एक्सटेंड की जाएगी या नहीं की जाएगी या 25 फरवरी तक ही फॉर्म फिलिंग की डेट रहेगी, ये सारी जानकारियाँ आज की बैठक के बाद शाम तक प्राप्त हो जाएंगी। जैसे ही मुझे प्राप्त होती है मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगी। फिलहाल अब तक का जो न्यूज़ है वो TRE 3 में जिले में 1598 रिक्तियों के लिए होगी परीक्षा। ये यहाँ पर जिन जिन जिलों का हो गया है फाइनल उनका है, जैसे कि अभी इसको देख लेते हैं, मुंगेर जिले का है। इसमें TRE 3 के लिए आवेदन 10 फरवरी से प्रारंभ कर दिया गया है, इसके लिए आयोग द्वारा 25 फरवरी तक का समय दिया गया है। वहीं TRE 3 में मुंगेर जिले के लिए कुल 1598 रिक्तियों पर नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। शिक्षा विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्तियों की सूचना उपलब्ध करा दिया है। इसमें मुंगेर जिले के लिए 1589 रिक्तियों की पहचान की गई है, साथ ही इन रिक्तियों का आरक्षण रोस्टर तैयार कर उसे शिक्षा विभाग को भेजा गया है। शिक्षा विभाग के अनुसार TRE 3 के लिए प्राथमिक शिक्षक पद की कुल संख्या 501, इसमें सामान्य विषय के 291, उर्दू के 195 और बांग्ला के 15 पद हैं। इसके बाद 465 रिक्त उच्च माध्यमिक शिक्षकों के, इनमें वनस्पति विज्ञान के 19, जंतु विज्ञान के 13, रसायन विज्ञान के 49, गणित की 13, भौतिकी 29, अर्थशास्त्र 8, भूगोल 14, इतिहास 49, गृह विज्ञान 14, संगीत 26, दर्शन शास्त्र 2, राजनीति शास्त्र 56, मनोविज्ञान 23, समाज शास्त्र 20, लेखा शास्त्र 4, व्यावसायिक अध्ययन की 5। इस प्रकार से इन्होंने पूरा दे दिया है। कक्षा 6 से 8 में कुल 342 रिक्तियां हैं। इन्होंने प्राइमरी टू PGT पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आप मुंगेर जिले से संबंध रखते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, फ़ायदा यही होता है, इसीलिए अभ्यर्थी भी रुके हुए हैं। किसी किसी अभ्यर्थी का ऐसा होता है कि वो तीनों कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है, उनका जो टेट होता है वो लेवल 1 लेवल 2 दोनों क्लियर होते हैं, तो उनका ये तो वो तीनों ही जो वर्ग बन जाते हैं उनके, यानी कि PRT TGT PGT वो तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें उन्हें ये देखना होता है कि सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ किस में हैं जहाँ पर ईजिली उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो मेरा भी यही सजेशन है उन सभी अभ्यर्थियों को जो एक या दो से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हैं, या तीन तीन अपने पोस्ट पर वो भर सकते हैं, तो वो सबसे पहले ये भी देख लें कि सबसे ज़्यादा रिक्तियां कहाँ हैं, किस जिले में हैं, उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए।
अब आगे और देख लेते हैं, पूर्णिया का भी आ गया है और पूर्णिया का तो पूरा क्लियर करके आ गया है। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी की रिक्तियाँ आती रहेंगी जो आपके लिए बहुत यूज़फुल और बेनिफिशियरी होने वाली हैं। इसलिए रिक्तियों पर बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिक्तियों के आधार पर ही डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन होना। क्योंकि जितना रिक्तियाँ होंगी, कितनी रिक्तियाँ उन्होंने दिखाई हैं, कितने फॉर्म भरे जाते हैं, उसी आधार पर कॉम्पिटिशन भी तय होता है। तो इसमें सामान्य उर्दू, बांग्ला, ये सभी वैकेंसी यहाँ पर हैं। ये क्लास लिख दिया है 1 to 5, 6 to 8 इस तरीके से, और यहाँ पर टोटल कर दिया है इन्होंने, ये वैकेंसी हैं। और TRE 1, TRE 2 से रिक्त यहाँ पे ये भी लिख दिया है इन्होंने, जो TRE 1 और 2 से रिक्त हुई हैं वो इतनी है और टोटल इतनी हो गई। इस तरीके से क्लियर है। सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, दोनों साइड हैं। यहाँ से आप सीरियल नंबर 1 से सामान्य का, और फिर इधर क्लास वाइज ये 11-12 का है। इस वाले में मैं इसे मिनिमाइज़ कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, क्योंकि पूरा एक एक सब्जेक्ट को बताना कि उसमें कितनी रिक्तियाँ हैं तो वो ज़्यादा ही देर लग जाएगी, उसमें फिर उतना ठीक नहीं होता, हमारे पास भी समय नहीं और आपके पास भी इतना समय नहीं। उससे अच्छा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप जिस विषय से हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिस वर्ग में अप्लाई करना चाहते हैं, तसल्ली से वो सभी रिक्तियाँ देख लें और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाते हुए आगे की रणनीति पर काम करें। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि नेक्स्ट अपडेट TRE से 3 आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।